हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है, खुश आमदीद और वेलकम। और सुनाए, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है आप जहाँ पे भी रहें शाद रहें, आबाद रहें और खैरियत से रहें, और हमारे लिए भी बहुत बहुत दुआ कीजिएगा। फ्रेंड्स, नमाज वमाज पढ़ लिया जोहर की, अभी पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। आज खाने में बना है काली मसूर की दाल और चावल और साथ में अचार। फ्रेंड्स, खाना वाना तो खा लिया, अब काम कुछ करने को है नहीं, क्योंकि आज रेसिपी तो बनानी नहीं है। खाना तो बना हुआ है तो रेसिपी तो बनानी नहीं है, तो देखो और क्या काम हो सकता है। तो बाहर भी जाने का नहीं है क्योंकि आशिक की बाइक बनी हुई है ना, तो अभी उसको रवा होना है। 15 दिन से ऊपर ही हो गए हैं, मगर अभी भी दिल चाहता है कि थोड़ा सा और रवा हो जाए, क्योंकि पैसा बहुत लगा है उस पर। नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट डे में ब्रंच में है हाफ फ्राई और डबल रोटी। ये देखो जावियार आया है और इसको पैरों में ऐसे करते हैं, तो ये देखो इसको कुची कुची होती है। कुची 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 जावियार कुची कुची हो रही है, कुची कुची। कैरी के दिन आ गए हैं, अब यहाँ पे पराठे के साथ चटनी बना लेंगे। कैरी का मुरब्बा चटनी क्या बोलते हैं, बहुत टेस्टी होता है। ये शेयर कर चुके हैं हम, ये बना लेंगे अभी। ये काट लिया, अब इसमें चीनी, काला नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसको पका लेंगे। ये कैरी की चटनी बन गई, ये पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। फ्रेंड्स, फाइनली आशिक की बाइक बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, अब रवा भी हो गई है, तो अभी हम बाहर जा रहे हैं। देखो क्या करते हैं बाहर जाके, वैसे काफ़ी दिनों बाद बाहर निकल रहे हैं तो अच्छा ही लगेगा। मैं भी घर में बैठे बैठे बहुत ही तंग आए हुए थे, ऐसे लग रहा था जैसे जेल में बंद हो गए। अभी थोड़ा बाहर निकलेंगे तो ज़रा सा अच्छा लगेगा। घर में बैठे बैठे गर्मी भी लग रही है और फैन के नीचे भी बैठते हैं तो इतना पसीना बहता है, तो अभी थोड़ा जाके बाहर ठंडी हवा भी खा के आएंगे। फ्रेंड्स, बाहर भी बहुत हफ्स हो रहा है, पसीने पसीने हो गए थोड़ी देर में आशिर की बाइक लाने तक, बाइक निकालने तक हशर बुरा हो गया। बाइक चल रही है तो थोड़ी बहुत हवा लग रही है। जब तक ये प्रेस करके देगा हम दूसरे काम निपटा के आते हैं। अब हम आगे जा रहे हैं, कराची हलीम। आ गए हम ऑयल चेंज करने के लिए बाइक का। सामने तरबूज का शरबत मिल रहा है, ये हमने बनाया हुआ है, अपने चैनल पे डाला हुआ है। यहाँ के शॉप अभी तक खुले हुए हैं, वरना ये जल्दी बंद हो जाते हैं। अब आगे जा रहे हैं फ्यूल डलवाने के लिए। ये आ गए हम फ्यूल डलवाने, अब
तो फ्यूल की प्राइस बढ़ जाती है तो पता भी नहीं चलता, कोई शोर भी नहीं मचाता। फ्यूल डलवा लिया, अब आगे जा रहे हैं। आगे क्या, जो कपड़े प्रेस किए हुए थे वो उठाएंगे, अब घर जाएंगे। हवा भी खाली, बाहर भी हफ्स हो रहा है। गए और आने के बाद पहले हैंगर करेगा। फ्रेंड्स बहुत गर्मी है, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, हद से ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। फैन के नीचे भी पसीने बह रहे हैं और बाहर गए थे, थोड़ा सा बाइक चल रही थी तो थोड़ा बहुत ठंडक महसूस हो रही थी, यानी हवा महसूस हो रही थी, और अगर कहीं रुक जाती है तो फिर वही पसीने ऐसे टपक रहे थे। तो अल्लाह करे, अल्लाह रहम करे इस गर्मी से। बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखिए। बाहर जाके अच्छा लगा हमें, इतने दिन बाद गए थे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।